हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर पोर्टल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 5.2, और पिछले वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन इसमें से किए थे और आज हम लोग पांचवा नंबर क्वेश्चन से करेंगे। तो हम बताए थे कि पांच नंबर क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ रूल मालूम होना चाहिए। वो रूल क्या है, आइए हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि क्या है कि बटे के रूप में, क्या है बटे के रूप में, भाग के रूप में, ऊपर भी साइन है, ऊपर साइन है और नीचे कॉस है। तो हम लोग एक चीज करेंगे कि एक रूल होता है, रूल है कि यू बाय वाई बराबर यू बाय वी, ठीक है। क्या है वाई बराबर यू बाय वी। तो यू बाय वी जब इस फॉर्म में रहे तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे कि वी का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। जो नीचे में रहेगा उसका होल स्क्वायर कर देना है, उसके बाद जिसका होल स्क्वायर किए है उसको ऊपर लेके आइए, लिख दिए, ठीक है। अब जिसको हॉल, जिसका हॉल स्क्वायर किए है उसको छोड़ देना है। अब U का DC कर दीजिए, क्या करना है U, U का DC कर देना है, DU बटे DX, ठीक है। क्या करेंगे DU बटे DX लिख देंगे। अब यहाँ पे माइनस करना है, V को छोड़े हैं, U का DC किए हैं। अब जिसका DC किए, U का DC किए हैं, U को छोड़िए फिर V का DC कर दीजिए, ठीक है। यही रूल लगाना है और कोई नहीं, ठीक है। यहाँ तक तो समझ गए हैं। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं, क्या है U बाय V के रूप में। तो आप क्या कीजिए, इसको U मान लीजिए और इसको V मान लीजिए। तो सबसे पहले इतना बराबर क्या करना है, Y मान लेना है आपको, Y मान लिए। अब देखिए कि क्या रूल बोलता है कि इसका DC करना है, तो डी वाई बाय डी एक्स करना है। तो यू भी का क्या करना है, होल स्क्वायर। तो भी है क्या, कॉस सी एक्स प्लस डी, इसका क्या करना है होल स्क्वायर कर देना है। जिसका स्क्वायर किए हैं उसको छोड़ दीजिए, कॉस ए सी एक्स, क्या है सी एक्स प्लस डी, इसको छोड़ दिए। अब यू का डी सी करना है, तो यू क्या है साइन ए एक्स प्लस बी है। तो यहाँ पे देखिए कि साइन एक्स, ये टोटल को आप एक्स मान लीजिए, तो क्या लिखते हैं हम लोग साइन एक्स बटे डी एक्स। जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, तो हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स के जगह पे जो भी चीज है ये ए एक्स प्लस बी, उसको नीचे लेके चले आइए। तो क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, यहां तक क्लियर है। अब देखिए कि हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए कि क्या x के जगह पे ये सब आ रहा है, तो जब तक नीचे में x ना आ जाए तब तक हम लोग को DC करते रहना है, कि मतलब इसी को चैन रूल बोलते हैं। अब आइए ऊपर में क्या करेंगे, अब इसका DC कर दीजिए, a कॉन्स्टेंट है तो a को आप बाहर कर लीजिए, तो डी एक्स बटे डी एक्स प्लस बी का DC क्या हो जाएगा, बी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, ये कर दीजिए आप। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह लिए हैं। अभी तक हम लोग सिर्फ साइन का डीसी किए हैं, कॉस को छोड़े थे, साइन का डीसी किए। अब क्या करना है, साइन को छोड़ेंगे, जिसका डीसी किए हैं उसको छोड़ेंगे ए एक्स प्लस बी, ठीक है। जिसका डीसी किए हैं उसको छोड़ेंगे और जिसको छोड़े थे हम लोग उसका डीसी करेंगे। तो आइए हम लोग cos x का DC करते हैं, क्या है cos x, तो ax के जगह, x के जगह पे क्या है cx plus d, तो x के जगह पे क्या है cx plus d, तो ये नीचे आ जाएगा cx plus d। अब इसका cx plus d का DC कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, c बाहर आ जाएगा आपका, c बाहर आ गया क्योंकि c कांस्टेंट है, तो x dx बटे dx plus d कॉन्स्टेंट है जो कि अकेले है, तो इसका आ जाएगा d d बटे डी एक्स, ठीक है। यहां तक आ गया आप लोग, उसके बाद क्या करना है, इसका तो होल स्क्वायर लिख देना है आपको, cos x यानी सी एक्स प्लस डी, ठीक है, इसका होल स्क्वायर है। cos x को छोड़े थे, क्या है cos सी एक्स प्लस डी, इसको छोड़े थे। साइन का dc क्या होता है, साइन का डीसी होता है कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस एक्स होता है। अब देखिए यहाँ पे डीएक्स डीएक्स खत्म, बी का डीसी क्या हो गया जीरो, तो यहाँ पे क्या बच गया सिर्फ ए, तो आप ए यहाँ पे लिख सकते हैं,
ठीक है, गुना में है तो इधर या लिखिए या उधर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस किसको छोड़े हैं, साइन एक्स को छोड़े हैं, तो साइन ए एक्स प्लस बी को छोड़े हैं। कॉस का डीसी क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स, तो यहां आके क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, तो साइन एक्स, तो एक्स के जगह क्या है सी एक्स प्लस डी, ये डी एक्स डी एक्स कैंसिल, ये डी का डी सी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा सी, तो आप सी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको अरेंज कीजिए या इसी तरह छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।